रादौर के वार्ड नंबर 4 में सीवरेज लाइन की लंबे समय से साफ सफाई न किए जाने से सीवरेज के मेन होल पिछले कई महीनों से जगह जगह से लीक हो रहे हैं, जिस कारण गंदा पानी गली में जमा हो जाने से वार्ड वासियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों का आरोप है कि इस समस्या बारे कई बार जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करवा चुके हैं, बावजूद इसके समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं किया गया। ये समस्या यह है जी कि जो सीवरेज है वार्ड नंबर 4 का, वाल्मीकि बस्ती गरीब आदमी है और इनका सीवरेज कभी भी सफाई नहीं हुई, ताकि इन लोगों ने पब्लिक अलर्ट में भी कभी कई दफा लिख के दे दिया, पर ये लोग जो है पब्लिक अलर्ट वाले कोई सुनाई नहीं करते। हालत क्या है? और हालत ये है, बीमारी फैलने का खतरा है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं भाई, एक सफाई होनी चाहिए, एक उस नाले की सफाई होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं, चाहे वो स्लेब तोड़ के करो, चाहे कैसे भी करो, कैसे नहीं करो। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार द्वारा बेशक स्वच्छता अपनाने के लिए सभी को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन स्वच्छता के प्रति जिन विभागों की जिम्मेदारी बनती है वो इसके प्रति सजग नहीं है। ऐसे में रादौर में जलापूर्ति विभाग की अनदेखी के चलते सरकार का स्वच्छ भारत का सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरटी भारत।